नमस्कार, डीडी डिलाइट्स में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो सबसे पहले बात करेंगे पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा की। धारावाहिक श्री कृष्णा के शुक्रवार के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि देवता पार्वती जी के पास आकर प्रार्थना करते हैं कि ताड़कासुर का वध करने के लिए भगवान शिव की तपस्या भंग करना जरूरी है। कामदेव और रति भगवान शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश करते हैं। तपस्या भंग होने से क्रोधित शिव कामदेव को भस्म कर देते हैं। हमारी समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकती हैं माता। वो कैसे? ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार तारकासुर को केवल शिव जी और आपके पुत्र के हाथों ही मृत्यु आएगी। माता, इन्हें आप शिव जी की तपस्या भंग करने की आज्ञा दीजिए। परंतु ये मेरे लिए बहुत कठिन काम है। क्या करेंगे देवता और क्या होगा इस घटना का असर, जानने के लिए देखिए धारावाहिक श्री कृष्णा रोजाना रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। धारावाहिक विष्णु पुराण में शुक्रवार को आप देखेंगे कि प्रहलाद अहलाद को असुरों का राजा बनाना चाहता है, लेकिन अहलाद प्रहलाद को राजा बनने का आदेश देता है। आगे कहानी में आप एक युवा प्रहलाद को राजा के रूप में देखेंगे। दो औरतें राजा प्रहलाद के दरबार में आती हैं और एक ही बच्चे पर अपना हक जताती हैं। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, असुरलोक के सिंहासन पे विराजमान हो जाओ। महाराज, हमने ये बच्चा नहीं छीना है। ये स्त्री इस स्त्री से बच्चा छीनने का प्रयास कर रही थी। हाँ महाराज, ये नवजात शिशु मेरा पुत्र है। क्या ये झूठ बोल रही है महाराज? नहीं महाराज, मैं सत्य बोल रही हूँ। न्याय होगा। तो क्या प्रहलाद सही फैसला कर पाएंगे, जानने के लिए देखिए धारावाहिक विष्णु पुराण सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। धारावाहिक संकट मोचन हनुमान में शुक्रवार को आपको देखने को मिलेगा कि भरत राम से प्रार्थना करते हैं कि वनवास पूरा होने के बाद वो राजा बनना स्वीकार करें, और जब तक उनका वनवास पूरा नहीं हो जाता तब तक वो उनकी चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर राज्य चलाएंगे। तो आप मुझे वचन दें कि वनवास की अवधि की समाप्ति के पश्चात आप अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार करेंगे। मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ देवेंद्र पुत्र जयंत। जयंत, तुम जहां भी जाओगे ये बाण तुम्हारा पीछा करेगा। संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती। तो क्या होगा आगे, जानने के लिए देखिए धारावाहिक संकट मोचन हनुमान रोजाना शाम 7 बजे डीडी भारती पर। धारावाहिक शक्तिमान में शुक्रवार को आप देखेंगे कि कर्नल अपने साथियों के मारने के आरोप में असली रंजीत सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश देता है, लेकिन रंजीत सिंह चकमा देखकर उन्हें वहां से भाग निकलता है। अगर इस समय मुझे फौज के कानून का ख्याल न होता तो मेजर रंजीत सिंह, तू जैसे गद्दार को इसी समय शूट कर देते हम। गद्दार, ये क्या कह रहे हैं आप सर? सॉरी सर, हमारी मजबूरी है। अपने अपने हथियार फेंक दो। फायर! तो क्या वो कौशल्या को नकली रंजीत सिंह से बचा पाएगा, जानने के लिए देखिए धारावाहिक शक्तिमान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। और अब बात करते हैं धारावाहिक साईं बाबा तेरे हजारों हाथ की, जिसमें शुक्रवार को आपको देखने को मिलेगा कि चोलकर को अपने कार्यालय में पता चलता है कि दो कर्मचारियों को कार्यालय से निकाल दिया गया है। चोलकर इस बात को लेकर परेशान है कि कहीं निकाले गए कर्मचारियों में उसका नाम तो शामिल नहीं है। सरकारी आदेश आया है दो अस्थाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देने का। नाम किस किस का है ये हम नहीं जानते। चिंटू बेटा, तुम्हारी माँ, मैं और तुम्हारे चाचा चाची तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना चाहते हैं। हमारी टिकट करवा लेना। जी पिताजी, पैसा तो है ना तुम्हारे पास? जी चाचा जी। तो अब साईं चोलकर की आखिर कैसे मदद करेंगे, जानने के लिए देखिए धारावाहिक साईं बाबा तेरे हजारों हाथ रोजाना रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।